आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे फाइल मेनू में इन्फो ऑप्शन के मैनेज डॉक्यूमेंट के बारे में। मैनेज डॉक्यूमेंट में हम लोग पहला ऑप्शन जानेंगे रिकवर अनसेव्ड डॉक्यूमेंट और दूसरा ऑप्शन डिलीट अनसेव्ड डॉक्यूमेंट। रिकवर अनसेव्ड डॉक्यूमेंट क्या होता है कि जैसे अगर आप कोई काम कर रहे हैं एमएस वर्ड में और अचानक लाइट कट जाता है या आपका सिस्टम बंद हो जाता है और उस डॉक्यूमेंट को आप सेव नहीं किए रहते हैं तो उसको कैसे रिकवर कीजिएगा, फिर उसको कैसे वापस लाइएगा, उस चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। और जो अनसेव्ड फाइल है उसको कैसे डिलीट करेंगे वो भी इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। यानी कि डिलीट अनसेव्ड डॉक्यूमेंट, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट सेव नहीं किया गया है उसको अगर डिलीट करना हो तो कैसे कीजिएगा, उसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एमएस वर्ड को ओपन कर लेते हैं। एमएस वर्ड ओपन हो गया है। सबसे पहले हम लोग फाइल मेनू में जाएंगे, उसके बाद इन्फो पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ मैनेज डॉक्यूमेंट ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ रिकवर अनसेव्ड और दूसरा ऑप्शन दिया हुआ डिलीट ऑल अनसेव्ड डॉक्यूमेंट। अभी अनसेव्ड डॉक्यूमेंट क्या होता है वो आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे हम एक पैराग्राफ टाइप कर देते हैं, जैसे कुछ पैराग्राफ टाइप किया गया, हम क्या करते हैं इसको बिना सेव किए हुए इसको बंद कर देते हैं। जैसे इसको कुछ कलर कर देते हैं और थोड़ा हाईलाइटेड कर देते हैं कि इससे पता चल जाएगा कि यही डॉक्यूमेंट था। यहाँ से हम क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, डोंट सेव कर देंगे, यानी कि ये डॉक्यूमेंट सेव नहीं हुआ है। अब हम चाहते हैं उसको फिर वापस लाना क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो सबसे पहले एमएस वर्ड को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद फाइल मेनू में जाएंगे, इन्फो में जाएंगे, उसके बाद मैनेज डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो रिकवर अनसेव्ड डॉक्यूमेंट ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हैं एक डॉक्यूमेंट एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। यहाँ जो दिख रहा है ये हमारा वो डॉक्यूमेंट्स था। जैसे इसको हम ओपन करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आ गया। अब इसको आप सेव करना चाहते हैं तो यहाँ सेव से सेव एज ऑप्शन के द्वारा आप सेव कर सकते हैं। यहाँ दिखा रहा है, शो कर रहा है यहाँ रिकवर अनसेव्ड फाइल। तो अगर हम चाहे इसको सेव करने के लिए तो सेव कर सकते हैं, हमको सेव नहीं करना है, इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब हम जानेंगे डिलीट अनसेव्ड डॉक्यूमेंट के बारे में। फाइल मेनू में जाएंगे, उसके बाद इन्फो पर क्लिक करेंगे, मैनेज डॉक्यूमेंट में जाएंगे और डिलीट ऑल अनसेव्ड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। इससे क्या होगा कि जो भी डॉक्यूमेंट्स था, यानी कि जो भी अनसेव्ड डॉक्यूमेंट था वो डिलीट हो गया है। अब देखना है तो यहाँ रिकवर में जाकर देख सकते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, सब डिलीट हो गया है। तो इस तरह से हम लोग अनसेव्ड यानी कि बिना सेव किए हुए फाइल को डिलीट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग इतना ही जानेंगे, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा फाइल मेनू में आपका न्यू इन्फो तो कंप्लीट हो गया, उसके बाद न्यू ओपन सेव और सेव एज के बारे में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।